तुरंत नारायण हॉस्पिटल पहुंचा दो ना, मेरे दोस्त की जान खतरे में, प्लीज मुझे वहाँ पहुंचा दो। नहीं नहीं देखिए, मैं किसी और का इंतजार कर रहा हूँ। बाबू ऐसा मत कहो, यहाँ पे दूर दूर तक कोई साधन भी दिखाई नहीं दे रहा। मुझे पहुँचा दोगे ना? ठीक। वैसे हुआ क्या है आपके दोस्त को? मोहल्ले के कुछ लोगों ने उसे बहुत मारा बाबू। क्यों? क्योंकि हम लोग एक किन्नर है ना, वो लोग नहीं चाहते कि हम लोग वहाँ उनके मोहल्ले में रहे। वो लोग कहते हैं कि हम लोग वहाँ रहेंगे तो उनके बच्चों को खराब कर देंगे। बाबू हम लोग उनके बच्चों को खराब कर देंगे? जब से धरती पर जन्म लिया है ना, तब से माँ बाप को यही लगता है कि हम लोग उनके पिछले जन्म के पाप का नतीजा है। वो लोग हमें तब तक कोसते रहते हैं जब तक हमें एहसास नहीं दिला देते कि हम लोग इंसान नहीं, एक समस्या है समाज के लिए। बाबू हम लोग एक समस्या है। आप तो मुझे बहुत पढ़ी लिखी मालूम होती। हाँ हिस्ट्री से हमें है, लेकिन क्या फायदा? अरे उनकी नजर में तो हमें छक्का है छक्का। जी वो आपने यहाँ किसी किन्नर को देखा क्या? उन्होंने लाल साड़ी पहनी हुई थी क्या? हाँ जी जी लाल साड़ी। देखिए मैं आपको एक बार बताऊंगी, आप प्लीज परेशान मत होइएगा। दरअसल वो अब इस दुनिया में नहीं रही। क्या बात कर रही हैं आप, अभी तो मैं उनको अपने साथ बाइक पे लेके आया। हाँ आप एकदम सही कह रहे हैं, पर आप एक बार मेरी बात सुन लेंगे क्या? दरअसल उनका नाम मालती था और एक साल पहले उनके मोहल्ले वाले ने उन्हें बहुत ज़्यादा मारा था। उसके बाद उन्हें इसी हॉस्पिटल में ला के एडमिट किया गया था और उनके सर से बहुत ज़्यादा खून बह रहा था और वो बहुत चीख रही थी। डॉक्टर्स ने बहुत बचाने की कोशिश की पर हम उन्हें नहीं बचा पाए। उसके बाद वो सड़क पर ऐसे किसी कार या बाइक वाले से लिफ्ट मांगती हैं और नारायण हॉस्पिटल में आने को कहती हैं और फिर वो यहाँ आती हैं, पर आके अचानक से गायब हो जाती हैं।